झारखंड की राजनीति में संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा गरमाया हुआ है। इस बीच दुमका के झामुमो सांसद नलिन सोरेन ने कहा है कि संथाल परगना में कोई घुसपैठ नहीं है, यदि है तो इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी लगातार हेमंत सरकार पर संथाल परगना और झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज होने को लेकर हमलावर है। इस मुद्दे को लेकर भाजपा लगातार हेमंत सरकार पर प्रहार करती नजर आ रही है। इसी पर पलटवार करते हुए जामताड़ा पहुंचने पर दुमका लोकसभा के सांसद नलिन सोरेन ने कहा कि संथाल परगना में कोई घुसपैठिया नहीं है। सांसद ने कहा कि यदि घुसपैठ हो रही है तो इसके जिम्मेदार राज्य सरकार नहीं बल्कि केंद्र सरकार है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स गृह मंत्री के अधीन है, इसलिए इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर है, न कि राज्य सरकार पर। बरहेट से हेमंत सोरेन भारी मतों से जीतेंगे। भाजपा में शामिल हुए सिद्धू कानू के वंशज मंडल मुर्मू को धमकी दिए जाने के सवाल का चर्चा करते हुए सांसद नलिन सोरेन ने कहा कि मंडल मुर्मू से झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा बरहेट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भारी मतों से जीतेंगे और फिर से झारखंड में गठबंधन की सरकार बनेगी। जामताड़ा विधानसभा के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी और ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी ने भी भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आने वाली 23 तारीख को चौंकाने वाला परिणाम होगा और संथाल से भाजपा का सफाया हो जाएगा। इरफान अंसारी ने कहा कि हेमंत सरकार की मैया सम्मान योजना का गहरा असर पड़ रहा है, जिससे भाजपा घबरा गई है, भाजपा इसको पचा नहीं पा रही है। उन्होंने कहा कि 2500 हर माँ और बहन के खाते में जाएगा और हर साल सरकार 1-1 लाख खाते में देगी। इरफान अंसारी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गरीबों के अबू व आवास देकर माँ और बहन को सम्मान देने का काम कर रहे हैं। उन्होंने भाजपा पर प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा अडानी अंबानी को देख रही है और उनके मुख्यमंत्री हेमंत सरकार गरीबों को देखने का काम कर रहे हैं। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। तमाम ऐसी वीडियोस के लिए आप जरूर सब्सक्राइब करें न्यूज स्टेट बिहार झारखंड। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।